दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कार्डुअस एम के बारे में, जिसको कार्डुअस मेरियनस कहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों कार्डुअस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन होता है वो होता है हमारे शिरा जाल या पोर्टल सिस्टम के ऊपर में। जहाँ पर भी शिराएँ हैं, पोर्टल सिस्टम है, वहाँ पे इसका एक्शन होता है। यह स्पेशली अफेक्ट करता है हमारे यकृत को, लीवर को, जहाँ पे यह यकृत के अंदर सूजन, दर्द और सोरनेस पैदा करता है। इसके अलावा दोस्तों पीलिया का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लक्षण इसके अंदर पाया जाता है। जहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होगा वहाँ पे आप देखेंगे कि लीवर ज़रूर अफेक्टेड होगा। और ऐसे लोगों को जो लोग कि शराब पीने के कारण अपने लीवर को ख़राब किए रहते हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है ये। दोस्तों ऐसे सारे रोगों में जहाँ पे कहीं कहीं पे लीवर अफेक्टेड हो, आप देखेंगे चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे किसी और बीमारी से संबंधित हो, दमा हो या कोई और बीमारी हो, वहाँ पे भी कार्डुअस एम बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों किसी बीमारी का अगर मेन ध्येय ये हो कि उसका जो एक कह सकते हैं कि जहाँ से शुरुआत हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा लीवर ख़राब होता है उसकी वजह से दमा हो जाता है या सांस की तकलीफ़ होती है और दूसरी समस्याएं होती हैं, और अगर उसके साथ में आपको मिल रहा है कि इसके साथ में लीवर की भी कोई समस्या है, तो वहाँ पे कार्डुअस एम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों कार्डुअस एम का एक और बहुत अच्छा लक्षण होता है कि यह लीवर में स्टिचिंग पेन, चुभने वाला दर्द आगे की तरफ और पीछे की तरफ पैदा करती है। अब हम इसके पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि पर्टिकुलर कहाँ कहाँ पे काम करता है। दोस्तों कार्डुअस एम का जो पेशेंट होता है वह जीवन से बड़ा निराश होता है, विरक्त होता है जीवन से, एपेथेटिक होता है, भुलक्कड़ होता है, भूलने वाला होता है। इसके जो सिर के सिम्टम है दोस्तों कि सिर पे इसको खिंचाव सा महसूस होता है आगे की तरफ, फ्रंटल रीजन में खिंचाव सा महसूस होता है, नक्सीर फूट जाती है कभी कभी, आँखों में जलन सी होती है। तो दोस्तों ये एक बेसिक सिम्टम है जहाँ पे पेशेंट को ये फील होता है कि सिर उसका भारी भारी से महसूस हो रहा है, पेशेंट का सिर चकराता है, आगे गिरने की प्रबलता होती है, पेशेंट को लगता है कि आगे गिर जाएगा, जीभ उसकी गंदी होती है, जीभ चूँकि लीवर की वजह से है, लीवर इफेक्टेड होता है तो जीभ का जो कलर होता है वो हल्का ग्रे कलर का या गंदा गंदा सा होता है, तो यह भी इसके अंदर पाया जाता है। कार्डुअस के पेशेंट को देखो नमकीन चीज़ से और जो मांस होता है उससे अरुचि होती है, उसकी इच्छा नहीं होती खाने की। पेशेंट को आप देखेंगे कि अगर कहीं से प्रॉब्लम है, सपोज़ गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसकी बहुत अच्छी दवा है कार्डुअस एम। इसके साथ में लीवर में जो सूजन है तो समझिए कि बहुत ही बेहतरीन काम करती है ये। पेशेंट को आप देखेंगे कि उल्टी होती है, उल्टी में क्या होता है तीखे हरे रंग का पदार्थ निकलता है जो कि बेसिकली बाइल होता है, आप लोग जानते हैं, तो बाइल बाहर निकल के आता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है कार्डुअस एम। इसके साथ में ऐसे पेशेंट को जिसको हरे रंग का द्रव के साथ साथ में उबकाइयाँ भी आती रहती हैं हमेशा, ठीक है, बार बार पेशेंट को लगता है कि मिचली जैसा बना हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के लिए अच्छी दवा है कार्डुअस एम। कार्डुअस एम में दोस्तों पेशेंट को कभी कभी आप देखेंगे कि सिर चकराने की स्थिति होती है और ऐसा लगता है कि आगे गिर जाएगा, वो इस तरह की फीलिंग होती है। पेशेंट के लिए आप देखेंगे कि कार्डुअस एम का जो पेशेंट होता है उसको लीवर में तो तकलीफ़ होती ही होती है, प्लीहा यानी स्प्लीन में भी सूजन हो तो वहाँ पे भी कार्डुअस एम काम करती है, उसमें चुभन सी महसूस होती है, स्टिचिंग पेन होती है। दोस्तों इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सीएनओथस के साथ में, वह भी एक अच्छी दवा है स्प्लीन में सूजन की। दोस्तों लीवर से संबंधित जितने भी बीमारियां होती हैं लगभग सब में यह काम करता है। इवन सिरोसिस ऑफ लीवर हो और उसके साथ साथ में जल शोक हो यानी सूजन आ जाए शरीर के अंदर में, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करती है कार्डुअस एम। इसका मदर टिंचर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम या अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है पेशेंट की, उस आधार पर इसको दिया जाता है। इसके साथ साथ में दोस्तों आप देखिए कि पेट के अंदर कोई तकलीफ अगर हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी अच्छा वर्क करती है कार्डुअस। कंडीशन ये है कि लीवर में सूजन होनी चाहिए या लीवर से संबंधित कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को दोस्तों कब्जियत होती है,
जब कब्ज़ होती है और मल जो होता है सूखा होता है, गांठदार होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा कभी कभी आप देखेंगे कि अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी डेवलप होती है, मतलब कभी सूखा मल होगा तो कभी पत्ती टट्टी होगी, तो ये कंडीशंस अदल बदल करके जब होती है तो वहाँ पे भी अच्छा काम करती है। ये दोस्तों लीवर में कंजेशन हो, लीवर में ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो, तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है। लीवर में रक्त की मात्रा ज़्यादा हो, साथ में पीलिया हो, तो ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है इस दवा को देने के लिए। दोस्तों ऐसी कंडीशन में जबकि मलात्र जो होती है या रेक्टम में अगर कैंसर हो जाए उसकी वजह से लूज मोशन होने लगे, तो वैसी कंडीशन की भी एक बहुत अच्छी दवा है कार्डुवसियम। इसके अलावा दोस्तों पाइल्स की समस्या अगर हो तो वहाँ पे भी ये काम करती है, यानी पेट से संबंधित जो भी समस्याएँ होती जहाँ पे लीवर का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे भी अच्छा वर्क होता है कार्डुवसियम का। तो किसी को अगर मलात्र में दर्द हो, जलन हो, वहाँ पे भी ये काम करती है। दोस्तों खूनी बवासीर, मलात्र का नीचे हो जाना यानी प्रोलैप्सस ऑफ रेक्टम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी ये अच्छा वर्क करती है। इसके साथ साथ में हम बात करें तो यह लीवर से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसके साथ साथ में दमा हो जाना, इसके अलावा स्टिचिंग पेन, चुभने वाला जो दर्द होता है वह हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे यानी जो दाहिने साइड की जो वच्चे की सबसे नीचे की रिब्स होती हैं उसके नीचे के जो पोर्शन पे दर्द हो, और वो दर्द कभी कभी कंधे में, कभी पीठ में, कभी रीढ़ की हड्डी की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी पेट की तरफ फैलता है दर्द, चुभने वाला दर्द, वहाँ पे अच्छा वर्क होता है ये, इस सिम्टम पे अच्छा वर्क करती है कार्डुवसियम। दोस्तों इसके साथ साथ में लीवर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। दोस्तों कभी कभी आप देखेंगे कि छाती में भी दर्द होता है, चुभने वाला दर्द हो, छाती में हो, और इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि वो दर्द चारों तरफ फैलने वाला हो, मतलब कभी पीठ की तरफ चला जाए या हाथों में चला जाए या नीचे की तरफ चला जाए, तो वहाँ पे भी अच्छा वर्क करती है। छाती में दर्द के साथ में दमे की जैसी कंडीशंस हो जाए, सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो वहाँ पे भी अच्छा रोल होता है कार्डुवसियम का। और इस सिम्टम के साथ साथ में मूत्र त्याग की लगातार निरंतर इच्छा बनी रहती है दोस्तों, ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है कार्डुवसियम का। दोस्तों वेरिकोज अल्सर्स में भी अच्छा काम करती है। इसके अलावा स्टर्नम के जो निचले भाग होते हैं वहाँ पर अगर फुंसियाँ होती तो वहाँ पर भी यूज़ होता है, और ऐसी फुंसियाँ या ऐसे खुजली जो कि रात में बिस्तर पर जाने की बाद बढ़ जाए, बिस्तर पर सोने के बाद बढ़ जाए, वहाँ पर भी कार्डुवसियम अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये एक अच्छी दवा है हिप जॉइंट के पेन के लिए भी। हिप जॉइंट में अगर पेन हो, वो पेन नीचे की तरफ बढ़ जाता हो, रानों में चला जाता हो, जांघ में चला जाता हो, झुकने पर बढ़ जाता हो, साथ में आपको अगर लीवर से संबंधित कोई समस्या दिख रही हो या कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशंस दिख रही हो, तो वहाँ पे आप अच्छा बस सोच सकते हैं इस दवा के बारे में। दोस्तों इसको आप कंपेयर कर सकते हैं चेलिडोनियम, मर्कसॉल, ब्रायनिया, पोडोफाइलम इत्यादि ऐसी दवाओं से जो कि लीवर पे एक्शन करती है। दोस्तों इसका ज़्यादातर मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ होता है या 34 में यूज़ होता है, तो एक अच्छी दवा है दोस्तों किसी भी पेशेंट को जिनको लीवर से संबंधित, जस्ट लाइक अ टॉनिक के तौर पे भी मदर टिंचर के तौर पे दिया जाता है इसको, और ऐसे पेशेंट को भी दिया जाता है जिनको आवश्यकता है, कहीं ना कहीं से लीवर उनका इन्फेक्टेड है तो उनसे संबंधित जो उनकी तकलीफें हो रही हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। लीवर में अगर कोई भी समस्या, मैंने आपको बताया कि हर समस्या में यूज़ की जाती है, इवन ऐसे पेशेंट को जिनको कहीं से अगर गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो वहाँ पे भी इसका मदर नेचर यूज़ किया जाता है, उसमें भी ये अच्छा वर्क करती है। दोस्तों तो दोस्तों ये सारी जानकारी आज कार्डुवस मैरिनस के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को फ़ायदेमंद लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।